screen visible? ओके थैंक यू. तो देखिए फर्स्ट पेपर क्या है, कोर्स वन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. इसमें मोस्ट प्रोबेबली मैंने बोला था बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं यूनिट टू में, राइट. तो अभी क्या करोगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे हम प्रिपेयर करें, वो चीज़ आया. तीनों पेपर का मैं बोल दूंगी, जनरल पेपर जितने हैं आपको पता चल जाएगा कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना. प्लीज मेटअप योर माइक्रोफोन फर्स्ट. यस हाँ बन रहा है ऑलरेडी बन रहा है, ऑनगोइंग है, चल रहा है, इसलिए बोली म्यूट कर लो, मैं बता दूंगा. ओके ओके चलो. सो इंट्रोडक्शन देख लो, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट से आएगा क्वेश्चन. ये तो है, कोई भी सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट क्या होता है. सपोज आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट में तीन पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द कंसेप्ट पार्ट और द मेन बॉडी, लास्ट वन इज द कंक्लूजन पार्ट. मतलब वहां पे हम एंडिंग करें. कोई भी पेपर हो, कोई भी कंसेप्ट हो, किसी चीज का भी डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी, ऐसे ही प्रोसेस में हम लोग सब करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जब सिलेक्ट कर रहे हो तो याद रखना फर्स्ट यूनिट से चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए, सारे आ जाते हैं. नियर अबाउट फर्स्ट यूनिट से ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है. 30 मार्क्स का सोच लो, बहुत कम नहीं है, मतलब पास हो जाओगे ऐसे मार्क्स हैं. ठीक है, तो आपको और एक क्वेश्चन अटेंड कर दिया कोई यूनिट का, पास मार्क मिल जाएगा. इसलिए अच्छे से फर्स्ट यूनिट को क्लियर करके पढ़ना. तो फर्स्ट यूनिट में देख लो क्या क्या है. फर्स्ट यूनिट में आपको कोई सिलेक्शंस और नहीं चाहिए, ना ही क्वेश्चन पेपर चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नहीं चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे बेकार में टेंशन आएगा, कोई जरूरत नहीं है. मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे पढ़ो, मार्क्स आ जाएंगे. अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसॉफी पढ़ चुके हो. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है. क्या है ये? एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क कर लो लॉन्ग क्वेश्चन. अभी देखो लॉन्ग क्वेश्चन 1.1 तो हो गया, 1.2 एंड 1.3 को मैंने एट ए टाइम मार्क किया है. दैट मीन्स इसके कंबाइंड करके पढ़ना है. क्या करके पढ़ना है? कंबाइंडली पढ़ना है. कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन. कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, दोनों ही इजी पार्ट है. पहले तो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन लिखना है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, नहीं तो मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड उसके टाइप, लास्टली स्कोप एंड फंक्शन और नीड, नीड ऑफ एजुकेशन, सेम पॉइंट्स है. तो एट ए टाइम इसको प्रिपेयर करेंगे. यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो आपको और एज अ शॉर्ट नहीं पढ़ना है, एट ए टाइम लॉन्ग पढ़ेंगे तो उससे ही यूज हो जाएगा शॉर्ट के लिए भी. अभी देखो और दो मार्क किया गया है, उसको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा गया है. तो रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन है, फिलोसॉफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एक पॉइंट है. ये दोनों पोर्शन ना किसी को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. आप लोग ये तीन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़े हो, अच्छा मैं कलर चेंज करती हूँ आपको दिखेगा, ये तीन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े हो तो आपको नेक्स्ट टू जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. क्या है देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसॉफी एंड एजुकेशन. तो फिलोसॉफी का कंसेप्ट आपको पता है, एजुकेशन का कंसेप्ट पता है, उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है आपको वो भी मैंने बार बार बताया है कि रिलेशनशिप में आपका जो फिलोसॉफी है लव ऑफ विस्डम और लव ऑफ नॉलेज है, एजुकेशन आपका उसका पार्ट है. एजुकेशन के थ्रू ही आप नॉलेज को लेते हो. अभी जिसको लिखना आता है वो क्या लिखेगा, फिलोसॉफी का इंट्रो देगा, डेफिनेशन मीनिंग देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस देगा, एजुकेशन का भी देगा. दैट इज द रिलेशनशिप. एंड लास्टली अगर ऐड करना चाहते हो तो लिख सकते हो, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर द टू पार्ट्स ऑफ ए कॉइन एंड गोज साइड बाई साइड, मूव साइड बाई साइड, ऐसे करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे. तो दैट्स इट. किसी ने बुक नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, इतना ईजी वे में आप लिख सकते हो. शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग इसको आता ही नहीं, इसको आप मेंशन भी नहीं करना लॉन्ग में. शॉर्ट क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन दिया गया है, फिलोसॉफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन. अभी फिलोसॉफी ऑलरेडी आपने पढ़ा है, उसका स्कोप भी पढ़ा था, राइट. एंड एम्स ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी जानते हो, उसका भी स्कोप पढ़ा हुआ है. क्या है, एजुकेशन पढ़ने से कौन से एम्स फुलफिल होंगे, जस्ट लाइक सोशल होंगे, हमारा मोरल वैल्यूज डेवलप्ड होगा, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, हमारा आईक्यू डेवलप्ड होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं. हमें एजुकेशन में हेल्प होगा, मतलब हम इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे अपना स्टेटस को डेवलप कर सकते हैं. तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये इसमें लिख सकते हो, है ना. देखो अपने पॉइंट से ही जितना पढ़ोगे उससे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये दोनों को शॉर्ट में रखना, ये दोनों को लॉन्ग में रखना, प्रिपेयर कर लेना. हो गया, यहां से कितने लॉन्ग क्वेश्चन मिल गए, दो लॉन्ग क्वेश्चंस मिल गए, राइट. अभी नीचे चलो क्या क्या मेंशन है, एंड पेन में जो लिखा गया है अच्छे से समझ के करो. अगर नहीं समझ आया वीडियो को फिर से देखना, वीडियो पूरा बन रहा है इसलिए, ठीक है. एक दिन का क्लास अगर नेक्स्ट क्लास में भी हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि टॉपिक्स आज कुछ नहीं पढ़े, नेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है. आप लोग बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे इसलिए मैं दे रही हूँ, ठीक है. यूनिट टू देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट,
सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि दिस द बॉडी, ये है आपका पूरा कंसेप्ट, आपका बीएड का जो बेस बन रहा है ना, इसी यूनिट के बेसिस पे बन रहा है पूरा बेस, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ यहाँ से आप 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर ओटेट, सीटेट, ओस्टेट, केवीएस, एनवीएस, जितने एंट्रांसेस है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे ही है, यूनिट टू में ही है। सोच लो तो कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा है ना। इसका शॉर्टकट भी मैंने दिया था, जिन लोगों को मेमोरी चार्ट नहीं मिला है, क्या बोल रही हूँ मैं, मेमोरी चार्ट, ठीक है, मेमोरी चार्ट नहीं मिला है, मेमोरी चार्ट का 2 PDF है, मेमोरी चार्ट 1 एंड 2 होगा, लिख के रख लो इस यूनिट के लिए, वो भी हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा वो भी सुन लो अच्छे से। यहाँ पे देखो, आपको मैंने बोला था कि यूनिट 2 का जो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एजुकेशन ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड, आपके पीरियड के अकॉर्डिंग कितने पीरियड्स हैं, 4 पीरियड्स हैं, 4 पीरियड्स हैं। एक होता है एंशियंट पीरियड, एंशियंट पीरियड में 3 क्वेश्चंस आ गए, वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन। तो देखो ये जो छोटे छोटे से पार्ट है ना, बुद्धिस्ट पीरियड, जैनिज्म पीरियड और वैदिक पीरियड, दिस आर शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर बोला गया राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड, तो तीनों को कंबाइन करके लिखना है, दैट मीन्स वैदिक से 2 पेज, बुद्धिज्म से 2 पेज, जैनिज्म से 2 पेज, राइट हो गया। एंड क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट होता है, वेदास में 4 वेदास होते हैं, उपनिषद पुराण्स हैं, एंड वहाँ पे हम कैसे पढ़ते थे, वैदिक सिस्टम में गुरुकुल सिस्टम्स होते थे, वहाँ पे गुरुज क्या होते थे, सबसे सुप्रीम पावर वही है, एंड जो स्टूडेंट्स बोल रहे हो वो शिष्य होंगे, एंड उनको गुरु को रेस्पेक्ट दिखाना है, गुरु जो बोलेंगे डिक्टेट करेंगे वही सब सुनना है। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, डिक्टेशन के थ्रू पढ़ाया गया, यज्ञ के थ्रू मंत्र उच्चारण को सिखाया गया, एंड कौन से डिसिप्लिन को फॉलो करना है, मैरिट डिमेरिट्स क्या है वैदिक सिस्टम का, मतलब ऐसे आपको वैदिक का लिखना है, बुद्धिस्ट का लिखना है, जैनिज्म का लिखना है। तो सबको 2-2 पेज करके आपको पढ़ाया गया है, लेंथी करके थोड़ा सा जैसे आप समझो कंसेप्ट को। देखो आप ज़्यादा पढ़ते हो तभी जाके एग्जाम हॉल में क्या होता है, 50% रिमेंबर होता है माइंड में, एंड उसको आप लिख सकते हो, राइट। ये कंसेप्ट आपको पता है, हम लोग भी पढ़ते थे, एंड उससे क्या होता था, जितना पढ़ के जाते थे उसका 70% 60% उतना ही याद आता था एग्जाम हॉल में, क्योंकि टेंशन में आधा चीज चला जाता है। तो इसलिए हमेशा जब नोट प्रिपेयर करो, एटलीस्ट 3-4 पेज का प्रिपेयर करोगे फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हेन क्वेश्चंस आर कंबाइंड, जहां पे क्वेश्चंस कंबाइंड होने वाले, ठीक है। तो वैदिक एजुकेशन ऐसे आ सकता है, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक एजुकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क का, तब भी क्या लिखोगे, पूरा A to Z लास्ट तक, पूरा एंड तक लिखना है जो जो अभी बोला। वैसे ही आ गया बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में लिखो, तो आप बुद्धिस्ट एजुकेशन का लिखना, वैसे ही आया जैनिज्म का। अगर बोला गया ये लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड, तो ये तीनों जो सिस्टम्स है, वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म जो पीरियड्स हैं, इसको कंबाइंडली लिखोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अभी देखो नंबर, मतलब नेक्स्ट 2.2 है, नंबर बोल रही हूँ 2.2 है, एजुकेशन ड्यूरिंग मीडिबल पीरियड। अभी मीडिबल पीरियड जो है ना, छोटा सा पीरियड है, क्योंकि मीडिबल में 2 ही कंसेप्ट आए थे, एक है इस्लामिक, एक है हिंदुइज्म। इस्लामिक थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज पर्दा सिस्टम्स हैं, वहाँ पे कुरानिक प्रिंसिपल्स में पढ़ाया जाता है, मस्जिद में पढ़ना है, मस्क में पढ़ना है, एंड मौलवीज पढ़ाते थे, यही डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। बट अगर मैं बोलूँ हिंदुइज्म में क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ हिंदू पाठशालाज में पढ़ाई होता था, एंड बॉयज पढ़ने जाते थे, गर्ल्स नहीं पढ़ते थे, एंड वहाँ पे हिंदूज के पास फंड नहीं होते थे, एंड जब मतलब मुस्लिम और इस्लाम धर्म हमें चलाता था उस टाइम पे, हमारे लिए कुछ नहीं सोचता था, इतना मेंशन है आपके बुक में, जो कि 1 पेज का है। सो इतने में तो एक लॉन्ग क्वेश्चन, दो लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंट वेज में नहीं आएगा, तो इसको आप एज ए शॉर्ट प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिखना भी एक ट्रिक होता है, मार्क अगर चाहिए, कोई क्वेश्चन आ रहा लिख देंगे, ये होता है जो बच्चे ओनली पास होना चाहते हैं, जो बच्चे 80-90% रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे विच वन इज बेटर, एंड जिससे आपको मार्क गेन करना है या मार्क फेचिंग हो, ठीक है। याद रहा 2.2 को आप शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ोगे, ठीक है ना, दोनों को आप क्या करोगे, एज अ शॉर्ट पढ़ लेना, बस 1.5-2 पेज का पढ़ लेना, खत्म हो गया। अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आए, देखो ऊपर भी मैंने एक एरो मार्क दिया एंड कनेक्ट किया नीचे के साथ, 2.3 एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, दैट मीन्स देखो यहाँ पे 2 पार्ट लिखा गया है, क्या है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अच्छा, प्री इंडिपेंडेंस का मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाया था, ठीक है ना, प्री इंडिपेंडेंस, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था,
एजुकेशन सिस्टम कैसा था एंड कौन कौन से रूलर्स थे और कौन कौन से रिपोर्ट्स आए थे जो कि एजुकेशन सिस्टम को चला रहे थे या चलाने के लिए काम कर रहे थे। सो यहाँ पे ना प्री इंडिपेंडेंस बोल दिया, मतलब आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम दी चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट, अगर मैं उससे भी पहले जाऊँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। देखो मैं थोड़ा थोड़ा रिमेंबर भी करवा रही हूँ कहाँ से एक्चुअल पॉइंट पकड़ना है। जो नहीं सुन पाए डबल ट्रिपल टाइम वीडियोस को 2m स्पीड में देख लेना एंड दुगना स्पीड में देख के बार बार समझ के फिर पढ़ोगे, किसी के दिमाग से मत चलना। और बुकिश वे में पढ़ोगे ना कभी कंप्लीट नहीं होगा बुक, तो जो ट्रिक दे रही हूँ उसी से पढ़ो। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, 16th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश हुआ एंड वो ट्राई कर रहा था इन्वेस्ट करने को इंडिया में, बिकॉज वो अपना बिजनेस को सेटअप करना चाहता था। ये आइडिया आपको मिल गया है। अभी नियर अबाउट मिड ऑफ दी बोल सकते हैं कि 18th सेंचुरी, और मैं बोल लूँ कि नहीं मिड ऑफ दी 18th सेंचुरी, और हम बोल सकते हैं लेटर 17th सेंचुरीज पीरियड, उन लोगों ने क्या किया, ट्राई किया कि इन्वेस्ट करके हम टोटली हम अपना बिजनेस को पूरा सेटअप करें। तो उस पीरियड से लेके स्टार्ट होगा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ चार्टर एक्ट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी रिपोर्ट्स थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होता था चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट्स में कितने रिपोर्ट आए, क्या क्या लिखना है देखो एंड कैसे लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सेटअप हुआ, मैंने ओरिजिनेशन बोल दिया बिकॉज हर एक चीज़ का ओरिजिनेशन लिखना बाउंड है, दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो आप वन पैराग्राफ, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 पेज का लिखना है। कौन टीचर क्या बोलता है मैटर नहीं करता है, मैं जो बोलूँगी आपके लिए बोलूँगी, ठीक है। तो 6 पेजेस में ट्राई करना पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना। अभी सोचो प्री इंडिपेंडेंस में हमने कितना चीज़ पढ़ा था, मैं बताती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंट्रो दे दिया, अभी देखो ईस्ट इंडिया कंपनी किसको फॉलो करेगा, चार्टर एक्ट को। चार्टर एक्ट को किसने बनाया, स्टार्टिंग तो कोई करेगा ना, जस्ट लाइक विलियम बेंटिंग आएंगे या डलहौसी आएंगे, कोई तो आएगा, उसका तो वाइसरॉयज हैं, जनरल गवर्नर्स हैं, तो जो भी हैं, तो वो लोग आएंगे या वो लोग किसी एक पर्सन को जस्ट लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑफिसर कोई एक बना के भेजेंगे। तो वो स्टार्ट हुआ था चार्ल्स ग्रांट से, जिसको आपने बोला ग्रांट कमीशन, ठीक है। चार्ल्स ग्रांट से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया के बाद यहाँ पे चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। इस क्वेश्चन का बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन ही चल रहा है। नेक्स्ट आएगा चार्टर एक्ट। आपके बुक में ओनली 2 चार्टर एक्ट है, एक चार्टर एक्ट है चार्टर एक्ट 1813 और एक चार्टर एक्ट का 2 लाइन मेंशन है 1833। उसके 20 साल बाद आया था वुड डिस्पैच 1853, जिसका रिपोर्ट आया था 1854 में, मागना कार्टा ऑफ ऑल चार्टर एक्ट उसको बोला जाता है। तो जो पॉइंट्स बोला गया जस्ट लाइक चार्टर एक्ट जितने हैं उसको, मतलब देखो सबका क्या चीज़ लोगे, बोलोगे मैम इसको अभी मर्ज करके कितना लिखेंगे, इतना कैसे लिखेंगे, आपको उसी के लिए पढ़ाती हूँ। क्या है, आप क्या करोगे ना, किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। माइंड मैप देती हूँ, हिस्ट्री देखो ICT का कैसे मैंने कंप्यूटर्स का हिस्ट्री दिया था छोटे छोटे पैराग्राफ में, है ना। हाँ, उस दिन मैंने WWW का भी दिया आपको हिस्ट्री, किसने डेवलप किया, कौन सा वर्जन आया, कब आया, ऐसा मेंशन हुआ था। तो वैसे ही लिखना है कि कौन सा चार्टर एक्ट कब आया, इसका मेन मोटो क्या था। पहला जो चार्टर एक्ट आया 1 लाख रुपीज को लेके ग्रांट करना चाहता था एजुकेशन सिस्टम के लिए, एंड उसका डीमेरिट्स क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है, बस ये हो गया। कितना, 4 से 5 लाइन में एक एक चार्टर एक्ट खत्म हो जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1854, दैट इज वुड डिस्पैच, खत्म इतने में। इसके बाद और क्या लिखोगे, देखो एंग्लिसिस्ट है, ओरिएंटलिस्ट है, वो दो दो लाइन वाला चीज है। पूरा कंसेप्ट को बुक में लिखोगे 100 पेज का लिख नहीं सकते ना हम, 6 पेज में लिखना है। तो मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करके आप अभी नोट्स बनाना, अभी टाइम है, Unit 2 के लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को बनाना, बाकी का बनाओ नहीं बनाओ चलेगा, इट्स ओके, बट लॉन्ग क्वेश्चन ये जो 2-3 मैं बोल रही हूँ जिसको कंबाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देखना एग्जाम हॉल में आप लिखोगे नहीं, आधा लिख के आओगे, तो इसलिए बना लेना, ठीक है। ये हो गया 1854 तक था। उसके बाद आपका हंटर कमीशन है ना, सर्जन रिपोर्ट है, हाटो कमेटी है, ठीक है। हाटो कमेटी, हंटर कमीशन, सर्जन रिपोर्ट, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट जैसे कि SEC, UEC, IEC, NPE, ये सब बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं हुआ है, पूरा बोल दे रही हूँ बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं हुआ। तो अभी तक का जितना था लास्ट तक, मैंने सर्जन रिपोर्ट, हाटो कमेटी, हंटर कमीशन बोला, यहाँ तक में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन को, प्री इंडिपेंडेंस का, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया था एक्चुअली। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द SEC,
ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी SEC नियर अबाउट हमारा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, ये 1948 का कॉन्सेप्ट आया SEC सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, सेकेंडरी अच्छा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, UEC आएगा, UEC आएगा पहला, UEC आया आपका 1947 के बाद ही, UEC सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चेयरमैनशिप में, दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके बाद SEC है, उसके बाद आपका SEC के बाद आएगा आपका, हाँ SEC आया 1952 में आई थिंक, एंड 1952 के बाद आया आपका 52 से 53, देन कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन जो आया 1964 to 66 में, देन आपका NPEs आएंगे, बहुत सारे NPEs हैं, NPE 1968-1986 एंड उसके बाद POA 1992 एंड CF राइट टू एजुकेशन, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। बोलो इतने चीज़ों को आप कैसे लिखोगे, सेम पैटर्न सारे चीज़ों को, कितना चीज़ लिखना है मैंने जितना मेंशन किया उसको लिख के पहले मार्क कर लेना कि मैम ने बोला ये लिखने के लिए, उसको कैसे लिखेंगे ना, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ वाइज मतलब पैराग्राफ में भी पॉइंट होता है, मतलब एक कंसेप्ट को एक पेज ना करके हाफ पेज या हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा 75%, एक फुल पेज का 75% पकड़ लेना एंड उसमें लिखना। जस्ट लाइक मैं अगर स्टार्ट करती हूँ UEC से, तो UEC एस्टैब्लिश कब हुआ, किसके चेयरमैनशिप में हुआ, इसका मेन मोटो क्या था एंड इसमें क्या क्या मैरिट से डिमेरिट से, थोड़ा थोड़ा करके लिख लेना है, तीन चार पॉइंट हो गया कंप्लीट। अभी बोलोगे कि इसको पूरा कंप्लीट कहाँ तक करना है, नियर अबाउट NCF एंड RTE तक करना है, RTE तक, ठीक है, इतना सारा चीज़ अभी तक हुआ है, आपका NPE 2020 इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है आपके सिलेबस में, सो उसको छोड़ के बाकी हो गया। अगर चाहते हो थोड़ा सा मार्क क्रेचिंग हो तो मेरे अकॉर्डिंग सुन लो, NPE 2020 को ऐड कर लेना, ठीक है, NPE पढ़ा चुकी हूँ, उसका शॉर्टकट भी दे चुकी हूँ, सबको मिल गया है, NPE पूरा पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं मिला NPE को सर्च करना टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा आराम से, एंड NPE का थोड़ा सा कि NPE का स्ट्रक्चर कैसा था, एजुकेशन स्ट्रक्चर, NPE में कितने सारे स्कीम्स हैं, NPE को किसने डिस्कवर किया, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको सपोर्ट किया एंड किसके चेयरमैनशिप में ये हुआ था, बस इतना एक पैराग्राफ लिख लेना, बस इतना करोगे तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होगा। अभी बोलोगे मैम इसके अंदर जो इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पड़ गए ना, बिकॉज सर्जेंट रिपोर्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाटो कमेटी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, NPE है, इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखो एक क्वेश्चन में अगर सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके लिखते हो तो उसको सोच लो माइंड में, और थोड़ा सा हम लेंदी कर दे, उसका मेन माइंड मैप बना लेते हैं एंड उसको वैसे पढ़ते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा, प्लस अगर शॉर्ट में भी आए आप लिख सकते हो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ठीक है। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसको लिखने का स्टाइल अगर पता है कोई बच्चे को वो मार्क ले आएगा। इतना क्लियर है, यस और नो हो गया, समझ आया, बोल लो फटाफट, बोलो हो गया ना, ठीक, चलो आई होप हो गया। अभी देखो आपको मैं अभी सिलेक्शंस देती हूँ, अभी इतने सारे तो लॉन्ग क्वेश्चंस ही मिल गए, उसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और कुछ चाहिए नहीं। अच्छा किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि मैम ये सब नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा क्या, ये भी डाउट होगा किसी ना किसी बच्चे का, तो मैं बता दूं ये सब अगर छोड़ भी देते हो, सोचो एक ग्रुप से पूरा छोड़ दिया तो उससे शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको कैसे अटेंड करोगे। ऐसा भी होता है कभी कभी, हाटॉक भी आ गया, हंटर भी आ गया, पास पास तो है, शॉर्ट क्वेश्चन में देने में क्या है, अभी दोनों ही छोड़ दिया कैसे लिखेंगे, तो वहाँ तो 5 मार्क पूरा गया ना, तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, माइंड मैप से पढ़ लेना। माइंड मैप क्या होता है, कंप्लीट एक जिस्ट जैसा, जैसे प्रीफेस पढ़ते हो ना, या फिर कंप्लीट एक एग्जाम से पहले एक थोड़ा सा थॉरो करके चले जाते हो, हल्का फुल्का पढ़ के आइडिया होना चाहिए, वैसे पढ़ के जाओ। अभी बोलोगे कि ये क्वेश्चंस में करना जरूरी है क्या, तो रविंद्रनाथ टैगोर का कर लेना, ठीक है, उसके अपोजिट में शॉर्ट क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे आपको। जीतू कृष्णमूर्ति कर लो, बिकॉज जीतू कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही हैं, तो इसलिए एजुकेशनिस्ट के अकॉर्डिंग उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल कलाम आज़ाद, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते हो एंड ये हमने नहीं पढ़ा, आपने बोला था, तो ये काम करो, जिसको भी अगर पढ़ने का है, मतलब देखो सबसे ईजी अगर बोलूँ, आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हो, श्री अरविंद घोष के बारे में भी जानते हो, मोहनदास करमचंद जी के बारे में भी जानते हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन चारों के बारे में जानते हो ऑलरेडी, तो आप एक काम करो, इसमें कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है, चुन चुन के एटलीस्ट तीन आपके चॉइस से बोल रहे हो, रैंडम सिलेक्ट मत कर लेना कि सीरियल मैं सिलेक्ट कर लूँ, कुछ भी 3 टॉपिक यहाँ से कर लोगे, थ्री टॉपिक्स, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनका बहुत सारा मूवमेंट्स था, जस्ट लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, देन खेदा मूवमेंट,
दांडी मार्च और भी डिसऑबिडियंस कुछ मोमेंट्स हैं, तो जितने भी हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानते हो। उनका एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने यूथ इंडिया लिखा था, स्वराज लिखा था, स्वराज मतलब भारत जो है उनके ऊपर जो लिखा था, स्वराज हमारे देश के बारे में लिखा था, बहुत सारे बुक्स भी लिखा है। एजुकेशन सिस्टम में उनका रोल मैं बता दे रही हूँ कि उनका रोल एज ए टीचर कुछ नहीं है, बट एज ए गाइडर बहुत ज़्यादा है एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने 3H का कंसेप्ट दिया था, 3R का भी कंसेप्ट दिया था, ये वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। 3H क्या होता है? हेड हैंड हार्ट, हेड हैंड हार्ट। आर क्या होता है? राइट रीड एरिथमेटिक, राइट रीड एरिथमेटिक, ठीक है। ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था। तो आप क्या करोगे, कोई भी रैंडम सिलेक्ट करोगे, देखो ये टिक पॉइंट्स हैं, मैंने बोला था कि रविंद्रनाथ टैगोर आपको इजी होगा, जीतू कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश के हैं तो करके जाओ तो आ जाता है, कभी कभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ जाएगा। इतने करोगे ना इस यूनिट के लिए बहुत एनफ है, ठीक है। अभी देखो, ईस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, मतलब ईस्टर्न सिस्टम एंड वेस्टर्न सिस्टम ऑफ स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, तो ये तो मैंने पहले भी बताया है, कौन सा शॉर्ट पढ़ना है, कौन सा लॉन्ग पढ़ना है, ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3.1 है, 3.2 है। चूज वन ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप को चूज कर सकते हो एज लॉन्ग क्वेश्चन, कोई एक ग्रुप को चूज करते हो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, ये हमारे इंडिया का है, ईस्टर्न सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी है, तो संख्या योगा न्याय वेदांत, तो इन चारों को एज ए लॉन्ग पढ़ोगे एंड सबका नोट्स मैंने दे दिया है, पढ़ा भी दिया है ईच टॉपिक को। अभी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में देखो, चार शॉर्ट क्वेश्चन है, चारों को पढ़ाया है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। अभी बोलोगे मैम इतना ज़्यादा करना जरूरी है क्या, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन चार है ना, चार में से कोई तीन को पढ़ लो पूरे अच्छे से, कोई तीन पढ़ लो, है ना, तीन पढ़ लो, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन भी तो उसी में से भी आ सकता है ना, तीन पढ़ लो। इधर आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये तो दो दो पेज का ही है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से भी आप तीन को सिलेक्ट कर सकते हो, एनी थ्री ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है। ये अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते जाओगे एंड रिपीटेशन होता है कि नहीं ये सोच के पढ़ोगे, तो वो मे भी इस बार उल्टा हो जाए, क्यों रिस्क ले, हम बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया कंप्लीट। यूनिट फोर देखो, मैंने क्या बोला था, दो लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी देखो, दो लॉन्ग क्वेश्चन में आप ही बोल सकते हो कितना पढ़ाया गया है। फर्स्ट दो लॉन्ग क्वेश्चन, अगर देखोगे ये सारे इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बट मतलब चलेगा, इट्स ओके कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। सो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देना पहले, तो दो पार्ट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक लॉन्ग क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, पढ़ चुके हैं, है ना, पूरा पढ़ चुके हैं, चार ग्रुप्स में डिवाइड था, फिफ्थ यूनिट फिफ्थ पार्ट आपका एनसीईआरटी से लिया गया, 82 वैल्यूज थे, उसको हमने अवॉइड किया है, बाकी चार क्लासिफिकेशन कर लिया। तो ये कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज पूरा लिखा है एंड क्लासिफिकेशन, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी मैंने बोला कि 4.3 से 4.4, 4.5 एट ए टाइम क्या करोगे, वैल्यू क्राइसिस कर लोगे। वैल्यू क्राइसिस बुक में मार्क कर दूंगी, मतलब आपको पीडीएफ दे दूंगी वैल्यू क्राइसिस का, वहाँ से पढ़ाऊंगी जब, मार्क कर दूंगी। एंड बहुत इजी है, जिसको पता है ना बहुत इजीली लिख सकता है, कि अगर वैल्यूज में लैकिंग हो जाए, सपोज सोशल वैल्यूज था, सोशल वैल्यूज में डिग्रेडेशन हो गया, खराबी हो गया, तो क्या हो गया, लैकिंग है, एंड उसके वजह से क्राइसिस आएंगे, कमियां आएंगे, एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, सफर फील करेंगे। तो वही सब, कौन से वैल्यूज को करते हो उसमें अगर क्राइसिस आ गया तो क्या होगा उसका रिजल्ट, तो ये चीज एज ए एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट भी आ जाएगा, लॉन्ग भी आ जाएगा, तो दो पार्ट में ओनली डिवाइड कर दिया। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे पहले देख ले, दो लॉन्ग क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट में हमारे ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बोल दिया यूनिट टू से। थर्ड यूनिट से मैंने बोल दिया यहाँ पे, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन फर्स्ट, आफ्टर दैट मैं बता रही हूँ, ओके प्लीज प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लो, किसी ने ऑन कर दिया। इनको आ गया ना, यूनिट टू से कितना बोल लिया, सेवन लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिट थ्री से क्या बोल लिया, कि यहाँ से एटलीस्ट आप तीन लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, थ्री लॉन्ग क्वेश्चन, तो यहाँ से तीन कर लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ, लॉन्ग का पहले बोल रही हूँ, प्रिपरेशन में आपको ईजी होगा। यहाँ पे दो लॉन्ग क्वेश्चन बोला गया, टू लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, टू लॉन्ग क्वेश्चन। अभी देखो एक चीज, सबसे बेनिफिशियल जो चीज है, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, ये तो सबको पसंद है आप लोगों को, इसलिए तो बीएड कर रहे हो, है ना। तो क्या है, देखो साइड में भी लिख दिया, जिनको समझ नहीं आया फिर से समझा रही हूँ, प्रिपेयर इट एज वन लॉन्ग क्वेश्चन एंड यूज्ड इन मेनी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है।
ये जो पूरा यूनिट है, देखो कैसे भी स्टार्ट करना है, टीचर पहले क्या पॉइंट है 5.1 में, टीचर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड कमिटमेंट। किसी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, कोई एक स्टूडेंट था, मैसेज किए थे कोई सर ने कि मैम कॉम्पिटेंसीज चाहिए या नहीं चाहिए। अरे बच्चे आपको मैं बता दे रही हूँ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड कमिटमेंट बोला गया है। आप सोसाइटी के लिए कितनी कमिटेड हो, ठीक है, कमिटमेंट के लिए भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, कॉम्पिटेंसीज के लिए भी आपका रोल या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो यहाँ पे टीचर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, उसको अगर आप लिख देते हो अच्छे से, तो आपको इस पॉइंट्स में और प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपको बुक देखना पड़ेगा। एंड देखो नेक्स्ट, टीचर एज ए नेशन बिल्डर, तो नेशन को कैसे बिल्ड करता है, एज ए कोच, कोचर होगा, एज ए गाइडर, एज ए काउंसिलर, एज ए बिल्डर, एज ए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू वो प्रोवाइड कर सकता है हमें अपॉर्चुनिटीज, हमें डायरेक्शन दे सकता है, एज ए लीडर हमें लीडरशिप कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेट कर सकता है। देखो टीचर एक कैसे होते हैं, वो होता ना एक कैंडल का एग्जाम्पल दिया जाता है, एक बर्निंग कैंडल्स का एग्जाम्पल देता है कि एक टीचर होता है ब्राइटेंड कैंडल जैसा, वो जितना भी बच्चे हैं जो कि मोमबत्ती को जलाया नहीं है, कैंडल्स को हमने जलाया नहीं है, एनलाइटन नहीं किया, तो उनमें वो एनलाइटमेंट देता है या अवेकनेस देता है या स्पिरिचुअलिटी कोई भी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो दैट इज अ नेशन बिल्डर कैरेक्टर। टीचर एज ए क्रिएटर फैसिलिटेटर हो गया, कोच बोल लिया, क्रिएटर बोल लिया, हो गया। प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ए टीचर, टीचर को एज ए प्रोफेशनलिज्म कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अगर सोसाइटी में रहना है तो क्या क्या फॉलो करेंगे, पंचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा जेस्चर को मेंटेन करेंगे, वर्बल नॉन वर्बल जो वे ऑफ टॉकिंग है, कम्युनिकेशन है, पर्पस है, उसको फॉलो करेंगे। एंड टीचर इन द फ्यूचर सोसाइटी, ये तो है, फ्यूचर सोसाइटी मतलब आप ही लोग हो, कि आप लोग कैसे सोसाइटी को बिल्ड करोगे एंड कैसे बच्चों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो एक बार ये सोच लेना कि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, एज ए मतलब हम बोल सकते हैं एज ए कॉम्पोजिशन या फिर एज एन एसे, अगर ये क्वेश्चन आता तो ये सारे पॉइंट्स को आप ऐड करते। तो इसलिए एट ए टाइम इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करो, वो भी 6-7 पेज का, जितना ज़्यादा हो सके 6-8 पेज का भी कर सकते हो। एंड इसमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इंट्रो तो सेम रहेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, एंड बीच का हमें पॉइंट जो भी आता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एंड ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है, अदरवाइज और कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता नहीं है। तो जो भी आ गया उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, 2 ही पेज का है, ठीक है, इतना है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन हो गया कम्प्लीट। सिलेक्टिव क्वेश्चंस में बोल लो, समझ आ गया, ये सुन लो, किसी